हाय फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आज हम आप सभी को बताएंगे कि फर्स्ट डे कार को कैसे चलाना चाहिए। जो कि नए चालक हैं और वो फर्स्ट डे कार को चलाते हैं, तो उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएँ हो जाती हैं जो कि उनके अंदर डर आ जाता है और वो कार फिर से चलाने के लिए नहीं सोचते हैं। तो ये गलतियाँ आप लोग ना करें। हम आपको इस वीडियो में सारी जानकारी देने वाले हैं कि कार चलाने से पहले आपको सबसे पहले तो कार के बारे में पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें कार के अंदर होती हैं। तो बहुत से लोग ये गलतियां करते हैं कि वो अपने फ्रेंड के साथ चलाते हैं या जो है अपने परिवार के साथ चलाते हैं। तो अक्सर गलतियाँ लोग यही करते हैं कि उनका ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दब जाता है। तो आज हम आप सभी को इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बता रहे हैं और आप लोग वीडियो को स्किप ना करें। चलिए देर ना करते हुए मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम आपको चाबी के बारे में बताएंगे, क्योंकि कोई भी कार आप चला रहे हैं तो सबसे पहले आपको चाबी के बारे में समझना होता है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये चाबी है। अब हमें कार को अनलॉक करना है, तो कार को अनलॉक करने के लिए ये वाला बटन दबाना होता है जो कि यहाँ पे लॉक खुला हुआ है, आप लोग देख रहे हैं। और जो है, जब आप एक बार दबाएंगे तो सिर्फ ड्राइविंग सीट का ही दरवाज़ा खुलता है। आपको इसको दो बार दबाना है तब जो है चारों दरवाजे खुलते हैं, और बाकी यहाँ से जो है दरवाज़ा लॉक हो जाता है। जब आप दरवाजे को लॉक करेंगे तो चारों दरवाज़ा लॉक हो जाता है, और जो है जब आप दरवाज़ा खोलेंगे, अनलॉक कर रहे हैं दरवाज़ा को, तो जो आवाज़ आती है वो दो बार आएगी, और जब लॉक करेंगे तो एक बार आएगी। तो आप लोग चाबी के बारे में समझ गए। हम बोलते हैं अब इसमें आपको चाबी लगाना है, जो कि चाबी हम जब लगाएंगे तो यहाँ पे हम चाबी लगा दिए। अब हमें इग्निशन ऑन करना है, तो इसको एक बार ऑन करेंगे तो स्टीयरिंग लॉक हटेगा, और दूसरे में सिस्टम ऑन होगा, तीसरे में गाड़ी स्टार्ट होती है। और ये जो है अंदर का फंक्शन, ये मीटर के अंदर का फंक्शन, जैसे कि ये आप लोग देख रहे हैं, ये स्पीड मीटर है, ये आरपीएम मीटर है, और ये जो है ये फ्यूल का है, और बाकी यहाँ पे हैंड ब्रेक का साइन है, ये जो है स्टीयरिंग का है, ये इंजन सेंसर का है, सीट बेल्ट का है, बैटरी का है, इंजन ऑयल का है। और ये जो है कुछ दूर जब गाड़ी चलेगी आपकी तो ये बंद हो जाएगा। अगर नहीं बंद हो रहा है तो इसका मतलब रेडिएटर फैन नहीं चल रहा है। और ये जो है यहाँ से आप किलोमीटर देख सकते हैं, फिर यहाँ से एवरेज सेट कर सकते हैं। ये अभी आप दबाएंगे, रेंज दिखा रहा है कितना फ्यूल है, कितना दूर आप जा सकते हैं। फिर यहाँ से जो है ये 18.4 का ये एवरेज दे रही है, और बाकी यहाँ से आप ए बी ट्रिप मीटर आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ ए दिख रहा है, ये बी ट्रिप मीटर है, ये रियल में गाड़ी 13,242 किलोमीटर चली है। तो ये इतने फंक्शन होते हैं कार के अंदर। और बाकी फ्यूल टैंक कहाँ से खुलेगा, तो फ्यूल टैंक खोलने के लिए यहाँ पे राइट साइड में यहाँ पे दिया होता है, तो ये आप फ्यूल टैंक यहाँ से आप खोल सकते हैं। इसको ऊपर उठाना है, इधर वाला जो है डिग्गी के लिए है, ऊपर उठाएंगे और यहाँ से फ्यूल टैंक ओपन हो जाएगा। आप लोग कोई भी कार अगर चला रहे हैं मैनुअल कार, तो मैनुअल कार में ये एक्सीलेटर पैडल है, ये ब्रेक पैडल है, ये क्लच पैडल है, ये तीन ही पैडल्स होते हैं। अब इनको आपको दबाना कैसे होता है, जैसे कि अगर आप अपने फ्रेंड के साथ चला रहे हैं या परिवार के साथ चला रहे हैं, तो सबसे पहले आपको पैर को एडजस्ट करना चाहिए, जो कि यही लोग गलतियाँ करते हैं कि वो पैर को पहले नहीं एडजस्ट करते हैं, पहले वो कार को चलाना चाहते हैं। तो सबसे पहले इन पैडल्स के बारे में आप समझ लें अच्छे तरीके से, तो इससे कार की स्पीड बढ़ेगी, इससे स्लो और रुकेगी। और ये जो है क्लच पैडल, ये क्लच पैडल का यूज़ तब होता है जब हम गियर को लगाते हैं तब, ये जब गियर को डाउन करते हैं तब, ये जब आपको जब कार रोकनी है, तो अगर स्पीड कम है तो सबसे पहले क्लच दबाएंगे तब ब्रेक लगाएंगे। तो क्लच के साथ एक्सीलेटर की ज़रूरत हमें नहीं होती है, ये स्पीड के लिए, ये स्लो करने के लिए, ये गियर को लगाने और डाउन करने के लिए, या फिर जब आप गाड़ी रोक रहे हैं तब। अब जो है हम आपको बताएंगे कि आपका ब्रेक जगह एक्सीलेटर कैसे दब जाता है जब आप परिवार के साथ चलाते हैं या फ्रेंड के साथ चलाते हैं। तो ये गलती ये करते हैं कि आप पैर नहीं एडजस्ट करते हैं। जैसे आप इस तरीके से पैर रखेंगे तो भी आप इस पे टाइम लग रहा है, या ऐसे टेढ़ा रहेगा तो आप देख रहे हैं ये दोनों चीज़ें साथ में दब रही हैं। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको साथ में दबा देते हैं, ब्रेक भी एक्सीलेटर भी, तो गाड़ी लड़ जाती है। तो ये आप गलती ना करें, पैर को ऐसे सीधा रखें, सिर्फ ये पंजा पड़ना चाहिए। या तो बहुत से लोग गलती ये करते हैं कि ये पूरा पैर
एक्सीलेटर पे रखते हैं तो ये दोनों साथ में दबता है, तो ये आप लोग गलती ना करें। तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि हमको ब्रेक और एक्सीलेटर कैसे दबाना है। पहले यहाँ ब्रेक की सीध में पैर रखना है, ये ब्रेक एक्सीलेटर और ये ब्रेक इस तरीके से, और क्लच का काम है ये पंजे से इसको दबाना है इस तरीके से, पंजा नीचे फिर इस तरीके से ऊपर। इसको भी बहुत से लोग उठा के लगाते हैं, तो इस तरीके से आपको नहीं उठाना है इसको, एड़ी को ऐसे रख के पंजा नीचे पंजा ऊपर। तो ये आप लोग समझ गए। अब हम आपको स्टीयरिंग के बारे में बताते हैं, हाथ से कंट्रोल। हाथ से कंट्रोल में जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये स्टीयरिंग व्हील है, स्टीयरिंग व्हील में आपको ये मिल जाता है ऑडियो सिस्टम, जो कि यहाँ से आप प्लस माइनस से आवाज़ स्लो और हाई कर सकते हैं, फिर यहाँ पे फ़ोन रिसीव कर सकते हैं, यहाँ से कट कर सकते हैं, यहाँ से ब्लूटूथ एडजस्ट कर सकते हैं। फिर इसमें जो है आपका हॉर्न बीच में होता है, किसी गाड़ी में साइड में किनारे पे होता है। फिर यहाँ पे जो है वाइपर चलाने के लिए ये लीवर है, लो मीडियम हाई तीन स्टेप होता है, ये लो मीडियम हाई तीन स्टेप, तो यहाँ से आप वाइपर चला सकते हैं। पानी प्रेस करने के लिए इसको ऊपर करना है, तो ये स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड में होता है। और राइट साइड में यहाँ से लाइट ऑन करने का लीवर है, ये पार्किंग लाइट है, ये हेडलाइट ऑन हो गया। फिर ये जो है नीचे हाई लाइट है, ऊपर लो लाइट है। फिर पास मांगने के लिए इस लीवर को ऊपर करना होता है ऐसे। फिर राइट इंडिकेटर के लिए नीचे है, लेफ्ट के लिए ऊपर है। और बाकी जो है अगर पीछे वाले को पास देना है तो हल्का से नीचे आपको करना है, तो दो बार इंडिकेटर जल के बंद हो जाएगा। पीछे वाले लेफ्ट वाले लेफ्ट की तरफ पास देना है तो हल्का से इसको ऊपर करेंगे तो दो बार इंडिकेटर जल के बंद हो जाएगा, तो लेफ्ट वाला जा सकता है। तो ये जो है हाथ से कंट्रोल में स्टीयरिंग व्हील हो गया, ये हेडलाइट लीवर स्विच हो गया, फिर यहाँ से वाइपर स्विच हो गया, और बाकी जो है गियर है, तो लेफ्ट करके आगे वन गियर, लेफ्ट करके नीचे सेकंड गियर, सीधा ऊपर थर्ड है, सीधा नीचे फोर्थ है, राइट करके आगे फिफ्थ है, फिर यहाँ पे रिवर्स गियर है। तो ये जो है जितनी भी मैनुअल कारें हैं सभी में गियर ऐसे ही होते हैं। कुछ गाड़ियाँ होती हैं जिसमें कि जहाँ पे आप फर्स्ट गियर लगाते हैं वहाँ पे रिवर्स गियर लगता है, तो रिवर्स गियर लगाने के लिए इस लीवर को आपको ऐसे ऊपर उठाना है, फिर यहाँ से रिवर्स गियर लगा सकते हैं। और बाकी जो है हैंड ब्रेक है, तो हैंड ब्रेक लगाने का जो तरीका है, इसको आपको जब हटाना है हैंड ब्रेक तो लीवर का बटन नहीं दबाना है, पहले इसको हैंड ब्रेक को ऊपर करना है, बटन ढीला हो जाएगा, फिर आपको नीचे कर देना है। जब लगाना है तो सिर्फ इसको आपको ऊपर कर देना है, बटन को नहीं दबाना है। तो हैंड ब्रेक लगाने का यही तरीका है कि आपको बटन दबा के नहीं लगाना है। तो ये हो गया हाथ से कंट्रोल। और बाकी जो यहाँ से एसी आपको ऑन करना है, तो ये फैन को ऑन किए, यहाँ से एसी ऑन कर दिए। ये जो है ठंडा हवा चाहिए तो इस पर रहेगा, नॉर्मल ठंडा चाहिए तो इस पर, और ज़्यादा हीटिंग चाहिए तो इस पर, नॉर्मल हीट चाहिए तो इस पर। जब ब्लूअर आप चलाएंगे तो इसी ब्रांड को नहीं ऑन करेंगे, केवल फैन ऑन करना है। ये हवा का डायरेक्शन चेंज करने के लिए होता है। फिर ये जो है गाड़ी अगर बदबू कर रही है, इस पर करेंगे सारी बदबू बाहर निकल जाएगी। फिर ये जो है इमरजेंसी लाइट होता है, हजार खतरा सूचक लाइट। और बाकी जो है आपको सीट आगे पीछे करना है, तो सीट आगे पीछे करने के लिए यहाँ पे नीचे सीट राड होता है, फिर कुछ गाड़ियों में यहाँ पे होता है। फिर जो है आपको कमर बैग एडजस्ट करना है, तो कमर बैग एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे होता है, इसको आप ऊपर करेंगे तो यहाँ से कमर बैग एडजस्ट हो जाएगा, फिर यहाँ से सीट ऊपर नीचे हो जाएगा। और बाकी यहाँ पर जो है चारों शीशे के बटन दिए हैं, और यहाँ से दरवाज़ा लॉक हो जाएगा, अनलॉक हो जाएगा, फिर यहाँ से शीशा लॉक हो जाएगा, फिर यहाँ से साइड मिरर आप ओपन कर सकते हैं, बटन को दबाएंगे तो साइड मिरर ओपन हो जाएगा। फिर राइट का शीशा एडजस्ट करना है तो इसको पूरा राइट घुमाना है, फिर ऊपर नीचे जिधर आपको एडजस्ट करना है उधर आप एडजस्ट कर दीजिए। फिर लेफ्ट का एडजस्ट करना है तो उसको लेफ्ट घुमाइए, और लेफ्ट और राइट का शीशा एडजस्ट कर सकते हैं। और बाकी दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आप सभी को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।